नींद नहीं आ रही है क्या तुझे? नहीं। कहानी सुना। एक बार एक राजा था, उसकी 7 रानी। पहले राजाओं की इतनी रानियां क्यों होती थी काकी? अरे पहले राजा महाराजाओं के पास जमीन जायदाद तो खूब रहे, तो इस वजह से कर ले ऐसे ही दुनिया भर के ब्याह। तू अच्छा, मैं भी 3 दिन ब्याह करूंगा। तो 3 क्यों करेगा भैया, पागल है क्या तू? अरे नहीं, पागल नहीं हूँ। देखा दी, एक तो मम्मी का काम करवाएगी घर में। अच्छा रे काली है। अच्छा एक नौकरी करेगी और तीसरी को क्या चाट डालेगा फिर? और तीसरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है काकी, वो कैसे? अंग्रेजन लाऊंगा। अंग्रेजन वो मेरे साथ रहेगी हमेशा। अरे कालू तेरा तो बड़े ऊंचे ऊंचे प्लान है भैया भविष्य के। हाँ, मम्मी को मत बताना काकी कि मैंने ऐसे बोला है ना। ठीक है नहीं बताऊंगी, सो जा। कहानी अरे कहानी तो पूरी कर देना काकी। पूरी सुनेगा क्या तू अब? हाँ तो देख, वो 7 रानियों में से किसी के भी औलाद नहीं हुई राजा के, तो राजा निराश हो गया भैया। पागल सा राजा, एक ब्याह और कर लेता काकी, उससे हो जाता बच्चा तो, या 6 कर लिए 7 कर लिए। उस टाइम कालू तू नहीं था, वरना तू कह देता राजा को, है ना? हाँ मैं तो कह देता उसको, राजा को, कि भैया एक ब्याह और कर ले। फिर आगे क्या हुआ काकी? फिर राजा दुखी होके एक ऋषि के पास गया। फिर ऋषि से बोला, मुनिवर मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे संतान की प्राप्ति हो। फिर तो फिर उस ऋषि ने कहा कि देखो राजा साहब, उपाय तो है पर बहुत ही कठिन है। हाँ, अब राजा बोला कि देखो मुनिवर, कितना ही कठिन हो मैं तो कर लूंगा संतान के लिए। तो फिर ऋषि ने कहा, देखो राजा साहब, तो मैं तुम्हारी छोटी रानी, सबसे छोटी है ना, उसको मौत के घाट उतारना होगा, तब जाके तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। फिर काकी राजा क्या बोला? फिर थोड़ी देर बाद राजा बोला कि देखो मुनिवर, मैं ऐसा कैसे कर सकूं भाई, अपनी रानी है तो मैं नहीं मार राजा सकूं। अच्छा ठगा की है ना। तो राजा बोला, मुझे संतान चाहिए ही नहीं, ऐसा कह के राजा अपने महल में आ गया। तो महल में आके अब राजा दुखी रहने लग गया, निराश एकदम, किसी से बात नहीं करे, चुपचाप चुपचाप रहने लग गया। फिर उसके बाद बहुत दिन हो गए, 10 दिन 15 दिन ऐसे ही निकल गए राजा के। फिर छोटी रानी आई उसके पास और उससे बोली कि राजा जी क्या हुआ, कई दिन से देख रही हूँ तुम बड़े दुखी दुखी रह रहे। फिर राजा ने सारी बात अपनी रानी को बता दी। तो रानी बोली, देखो तुमसे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, अगर तुम बोले तो मैं खुद अपने प्राण त्याग सकूं तुम्हारी खुशी के लिए। फिर काकी? राजा एकदम आंसू आ गए उसके, रोने लग गया बेचारा। तो राजा बोला कि देख रानी, इन सबसे शादी मैंने संतान प्राप्ति की वजह से करी, लेकिन तुझसे शादी मैंने प्रेम की वजह से करी। अच्छा मतलब असली रानी तो उसकी छोटी वाली रानी थी, है ना काकी? तो ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए जिसमें मुझे मेरे देवी जैसी पत्नी को त्यागना पड़े। प्रेम तो चीज ऐसी होती है भैया। फिर राजा ने संतान प्राप्ति की उम्मीद छोड़ फिर दी। उसके बच्चे नहीं हुए काकी राजा के? आगे तो सुन ले पहले ही, कि आगे आगे काट रहा है खुद ही फसल। हाँ, सुना सुना सुना। फिर भगवान का ऐसा चमत्कार होता है कालू, के वो छोटी रानी है ना, सबसे छोटी छोटी, हाँ, वो पेट से हो जाती है 2-3 महीने बाद। अच्छा तभी राजा के सामने शिव जी और पार्वती मैया प्रकट हो गई शिव जी और एकदम। पार्वती मैया प्रकट हो गए। और शिव जी बोले कि देख राजा, तेरे संतान इसलिए हुई है क्योंकि तू हमारी परीक्षा में पास हुआ है। राजा ने पेपर दिया था मेरी तरह, उसके 0 आए होंगे। नहीं पागल, भगवान की परीक्षा अलग हो है, वो भगवान की परीक्षा। भगवान ने ली थी परीक्षा? अच्छा फिर आगे? तो फिर राजा बोला कि प्रभु कौन सी परीक्षा? तो शिव जी बोले कि जो तू ऋषि के पास गया था ना, वो ऋषि के रूप में मैं ही था। अच्छा शिव जी बन गया है तो बाबा जी खड़ी। अरे चालू है बोले बाबा का तैयार ना। तो मैं परीक्षा ले रहा था तेरी, अगर तू उस टाइम ये कह देता कि भैया छोटी रानी है मार दो, मुझे तो संतान चाहिए, तो तेरा सर्वनाश हो जाता कतई। पर तूने बोला कि मुझे तो रानी चाहिए संतान नहीं चाहिए, तो
तो तू हमारी परीक्षा में पास हो गया, इसलिए तुझे हमने संतान की प्राप्ति कर दी। फिर राजा के बच्चा नहीं हुआ काकी? हाँ तो हुआ ही होगा ना, बच्चा तो हो गया होगा, फिर अब कहानी खत्म हो गई। यही कहानी खत्म हो गई, दूसरी सुना दे काकी। अब तुझे कहानी सुनाती रहूंगा पूरी रात, सोना नहीं है क्या मुझे? सो जा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतान उत्पत्ति जरूरी नहीं है, प्रेम जरूरी है ना। गुड नाइट।